आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वेज थाली की रेसिपी। त्यौहार हो या कोई मेहमान आए ना, तो ये बिल्कुल झटपट से बन जाती है और आप जिसे भी सर्व करेंगे ना, तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि ये एक बजट थाली है, हर घर में आराम से अवेलेबल इन्ग्रीडियंट से बनती है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं आलू की भुजिया। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच तेल, इसमें डाला है एक चम्मच राई, एक हरी मिर्च और थोड़े से करी पत्ते। अब यहाँ जब थोड़ा तड़का आ गया तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को बिल्कुल छोटा मोटा काट लिया है, जैसा कि आप शेप दे सकते हैं, ताकि ये जल्दी पक जाए। आधा चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और हाँ, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में हींग डालना भूल गई थी, यहाँ पे एक चौथाई चम्मच मैंने हींग डाल दिया है। हींग ज़रूर डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये बिना प्याज और लहसुन के भी सब्ज़ी है, और घर में जब भी बच्चे होते हैं ना, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो अपने मेन्यू में इस सब्ज़ी को ज़रूर रखें। जब तक कि आलू पक रहा है, तब तक यहाँ मैंने 1 कप चावल को अच्छे से वॉश करके इसको भी मैंने भिगा दिया, और आधे कप दाल को, यह अरहर की दाल है, तो इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 पानी से, और इसको भी सोक करके रख दिया है। तो कम से कम आप 10-15 मिनट तक इसे सोक कर लें, ताकि ये जल्दी पक जाए। अब यहाँ आलू की सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और बस इसको अच्छे से आप चलाते रहें। तो बेसिकली आपको इसे तब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। तो आप इसे ढक के चलाएं तो ये जल्दी भी पकेगा। आलू इधर हो रहा है, तब तक हमारा पनीर की एक सब्ज़ी है, तो वो भी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा तेल लिया है, इसमें मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो आप इसे थोड़ा सा अच्छे से सॉटे कर लें, थोड़ा सा फ्राई कर लें। तो इसे आप अच्छा, अगर आप चाहें तो पनीर को ऐसे कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर पनीर थोड़ा सा हमारा सॉटे हो गया है। ये सब्ज़ी बहुत ही झटपट सी बनती है, तो इस सब्ज़ी को भी अपने मेन्यू में ज़रूर रखें। अगर पनीर नहीं है तो मशरूम या कुछ भी अपने पसंद की एक कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी रख लें। अभी यहाँ पे थोड़े खड़े मसाले थे, उसका तड़का दिया। एक बड़े प्याज को थोड़ा सा चॉप कर लिया है, रफली ही चॉप किया है, और इसको अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन होने तक, अच्छा कलर इसका चेंज हो जाए तब तक कि हमें इसे पका लेना है। अच्छा, प्याज यहाँ मेरा कम था, तो आगे मैंने कुछ और टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं, तो आप वो देख लें कि मैंने इसे कैसे कंपनसेट किया है। अभी देखिए आलू अच्छे से पक गया है, और इसका कलर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा चेंज भी हो गया, थोड़ा गोल्डन भी हो रहा है। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसे थोड़ा सा खोल के भी 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। और साथ ही साथ हम यहाँ पर प्याज भी देख रहे हैं, जो हमारी पनीर की सब्ज़ी वाला प्याज है, वो भी हम साथ ही साथ चला रहे हैं। लास्ट में आपको आलू की भुजिया में एक ट्विस्ट देना है, कि यहाँ पे डाल देना है 1 चम्मच चाट मसाला। ये मसाला डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप चाहे तो हरी धनिया के साथ इसको थोड़ा सा गार्निश कर दें। अभी देखिए यहाँ जो पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, यहाँ पे देखिए प्याज गोल्डन होने लगा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 3 से 4 काजू। आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी रखें, अपने अकॉर्डिंग प्याज अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स किया है। मसाला जले नहीं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बस 2 से 3 चम्मच पानी डालें, इसको अच्छे से चला लें। अब यहाँ पे डाल दें जीरा पाउडर, थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दें किचन किंग मसाला, और आधा चम्मच डाल दें चाट मसाला, इसको भी अच्छे से आप मिक्स कर लें। अब आपको देखने में ही लग रहा है कि मसाला अच्छे से भुन गया है, तो अभी मुझे प्याज थोड़ा कम लग रहा था, तो बाद में मैंने जब इसकी ग्रेवी तैयार की ना, तो मैंने एक प्याज और अच्छे से पीस लिया, कच्चा ही पीस लिया, तो पहले मैंने उसको भून लिया है। अभी इसका एक फाइन पेस्ट बना देंगे। अब यहाँ फिर से लेना है 1 चम्मच तेल, और इसमें मैंने एक बड़ा प्याज था उसको भी मैंने पीस लिया, और यहाँ पे पहले उसको भून लिया है, क्योंकि मुझे प्याज थोड़ा कम लग रहा था सब्ज़ी के हिसाब से। तो अगर ऐसा हो कि आप मसाला पहले तैयार कर चुके हों और बाद में कम लग रहा हो प्याज या कुछ भी, तो आप ऐसे पीस के भी अच्छे से भून के यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे भी भून लेना है जब तक कि थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो ना चला जाए। अब यहाँ पे जो पेस्ट है काजू वाला और प्याज वाला, वो यहाँ पे डाल दिया है। अब इसे भी हमें 2 मिनट तक के पका लेना है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मसालों को, थोड़ा सा क्लीन करके। अब देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, प्याज और लहसुन अच्छे से पहले से भुना था, और वो जो सॉल्टेड मसाला था वो भी अच्छे से भुना हुआ है। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसे बनाने में मिनिमम 5 से 7 मिनट लगता है। कसूरी मेथी डाला है, इसको भी अच्छे से मिला लिया है। ग्रेवी जितनी आपको चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी आप रखें, और लास्ट में यहाँ पे ऐड कर दें पनीर। तो हमने यहाँ पे पनीर ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है।
और कुछ भी, अब गरम मसाला वगैरह कुछ भी ना डालें, बस डायरेक्ट ये परफेक्ट है। लास्ट में थोड़ी सी हरी मिर्च डालें, और अगर आपके पास मलाई या क्रीम है तो बिल्कुल लास्ट में जब आपको बंद करना हो तो बस 1 से 2 मिनट पहले मलाई डालें या क्रीम डालें और बस अच्छे से मिलाएं और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें, तो आपकी ये दूसरी ग्रेवी वाली सब्ज़ी पनीर की बिल्कुल बनके तैयार है। अब यहाँ मुझे स्वीट डिश बनानी थी तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, तो ड्राई फ्रूट्स अगर हैं तो डालें, अगर ना नहीं हैं तो आप स्किप कर दें। तो बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को सॉटे करना है, अब इसे हम एक तरफ रख लेंगे। अब यहाँ पे जो पनीर था ना, इसी में से मैंने थोड़ा सा पनीर 2 से 3 क्यूब के लगभग पनीर ले लिया, इसको उसी घी में डाल दिया और अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लिया है ताकि जो पनीर है वो बिल्कुल ऐसे लाइट हो जाए, बिल्कुल पिघल जाए, जैसे पेड़ा बनता है ना बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ रूम टेम्परेचर पे जो दूध है, यहाँ 2 कप मैंने यहाँ पे दूध ऐड कर लिया है। अब इसको चलाते रहना है ताकि जो पनीर और दूध है ना वो अच्छे से मिल जाए। फ्लेम आप मीडियम रखें। अब अच्छे से फ्लेवर के लिए यहाँ पे 1/2 चम्मच डाल दिया है इलायची पाउडर, 2.5 चम्मच डाल दिया है चीनी। तो अब इन सबको हमें अच्छे से मिलाना है और थोड़ा सा बॉयल आने तक के पकाना है। ऐसे चलाते रहें और धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। अभी आप इसका टेक्सचर देखिएगा कितना ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए अभी ये बॉयल होना शुरू हो गया, हम इसे चलाते रहेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे। और ये देखिए लास्ट में मैंने थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी डाल दी, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर दें, और ड्राई फ्रूट्स जो फ्राई था ना वो यहाँ पे डाल दें। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि इस पर एक पतला सा लेयर आ जाएगा और इसका जो कलर है ना वो और भी अच्छा आ जाएगा, और खाने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गया है और ये देखिए एक पतली सी लेयर मलाई की इस पर बन गई है। तो अगर आपके पास पनीर नहीं है ना तो आप जो सेवैयाँ आती हैं वर्मीसेली उसको रोस्ट करके और उसको बिल्कुल ग्राइंड कर दें तो ये बिल्कुल थिक सी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास केसर है तो आप यहाँ पे केसर भी ऐड कर सकते हैं, उससे कलर और भी बहुत अच्छा आएगा। तो अभी रबड़ी हमारी बनके तैयार है। अब यहाँ पे हमें बनाना है पुलाव। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/2 चम्मच घी या तेल ले लें। अब इसमें डाल दें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अगर हैं तो, और वरना फिर सिर्फ तेज पत्ता डालें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दें अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं तो। अब बस यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा सॉटे कर लिया। अब यहाँ पे जीरा डाल दिया है 1 चम्मच। जीरा बाद में डाला है ताकि जीरा जले नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता। 2.5 कप डाला है यहाँ पे मैंने पानी, जो चावल था वो हमारा 1 कप था, तो आप 2.5 से 3 कप पानी डालें। नमक डाल दें 1/2 चम्मच के लगभग या 1 चम्मच डाल दें। अब जब ये थोड़ा सा बॉयल होना स्टार्ट होगा ना तभी हम यहाँ पे जो हमारे भीगे हुए चावल हैं वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए कि अभी बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है तो इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे अपना चावल को यहाँ पे ऐड कर देना है। आप चाहें तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से ड्रेन कर लें जैसे हम नॉर्मल चावल बनाते हैं। आज मैंने ड्रेन नहीं किया है क्योंकि जब भी कोई आता है ना तो इतना टाइम नहीं रहता है। अगर है टाइम तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे ड्रेन कर लें, जब ये पक जाए तो आप इसके एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन कर लें। जब तक चावल हो रहा है तब तक यहाँ मैंने बना दिया है एक सलाद, बहुत ही ज़बरदस्त सलाद बनता है, तो इस सलाद की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आपको जो भी वेजीज जो भी आपको चाहिए सलाद में, जैसे मेरे पास खीरा और प्याज था तो मैंने इसी को ही बिल्कुल ऐसे गोल जैसे नॉर्मल सलाद काटते हैं वैसे काट दिया। ट्विस्ट देने के लिए, इसका टेस्ट को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक मसाले डालने हैं। और हाँ, इसके जो रिंग्स है ना उसको बिल्कुल अलग कर दें। नमक डाल दें, कटी हरी मिर्च डाल दें, 1/2 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला डाल दें, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल दें और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दें। बस इतने मसाले डालें और आपके जो सलाद है ना उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि नमक हमने डाल दिया है तो थोड़े टाइम बाद ये खुद ही सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो इसको भी हम ढक के एक साइड कर लेंगे। चलते हैं अब हम चावल चेक करने के लिए। तो ये देखिए चावल बिल्कुल अच्छा ड्राई हो गया है। अभी यहाँ पे थोड़ा पानी है लेकिन इसी स्टेज पे हम इसे बंद करके और अच्छे से कवर करके रख देंगे तो चावल जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा चावल भी बनके तैयार है। अब यहाँ पे मैं बहुत ही झटपट सी एक दाल बना रही हूँ जिसके लिए मैंने तेल में डाल दिया है हींग में, और फिर यहाँ पर ऐड कर दिया है जीरा,
और थोड़े से कटे हुए प्याज। प्याज थोड़े आप और बारीक काट लें, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने ऐसे थोड़ा सा रफली काट लिया है। बस इसे थोड़ा सा अच्छे से पका लें। जब प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो जो भीगी हुई दाल है ना वो भी यहीं पे डाल दें। ये दाल बनाने के बाद आपको एक्स्ट्रा तड़का देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल देखने में नहीं लगेगी कि इसमें तड़का नहीं दिया हुआ है। अब आधा चम्मच डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो बस अदरक डाल दें। अब बस इसे अच्छे से मिला दें और यहाँ पर डाल दें पानी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन गई है दाल, पहले से सोख ली तो बहुत अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पे डाल दिया है हल्दी पाउडर और आपको डाल देना है यहाँ पे नमक और फिर पानी। तो यहाँ पे ऐड कर दें पानी और बस इसको फिर 5 से 6 सीटी आने तक के पका दें। तो 3 सीटी आप हाई फ्लेम पे लाएं और 3 सीटी आप लेते आएँ मीडियम से लो फ्लेम पर और इसकी सीटी ठंडे होने तक के आप इसे पका लें। तो ये देखिए हमारी झटपट से दाल भी बन के तैयार हो गई। तो पूरा खाना बनाने में मुझे टोटल बनाने में 40 मिनट लगा और पूरी प्रिपरेशन करने में 60 मिनट। तो 60 मिनट में मैंने अपना ये सारा खाना बना के बिल्कुल रेडी कर दिया था। और ये देखिए दाल को हमें थोड़ी सी ऐसे मत लेनी है ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अगर आपको लगे कि दाल थोड़ी लाइट है तो इसे थोड़ी देर गैस पर चढ़ा दें और थोड़ा गाढ़ा कर दें। मैंने इसे ज़्यादा नहीं गाढ़ा किया है, बिल्कुल लाइट रखा है। तो अब चलिए एक एक करके सर्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सर्व की है दाल, ये देखिए। तो दाल मेन्यू में इसलिए है ताकि अगर बच्चे हैं या कोई ऐसे हैं जिनको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो देसी घी के साथ इसे सर्व करें। बिल्कुल सिंपल सी हमारी आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार है, थोड़ा सा करी पत्ता और राई का तड़का देके और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखिए हमारी आलू की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है, ये देखिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारी पनीर की सब्ज़ी। तो देखिए ये जैसे ठंडी होती है, जैसे जैसे ठंडी होती है उतनी ही गाढ़ी होने लगती है। तो यहाँ पे सर्व कर दिया हमने अपना पनीर। तो और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही क्रीमी लग रहा है। स्वीट डिश हमारी बनके तैयार है, बिल्कुल रबड़ी, होममेड रबड़ी और बहुत ही ईजी एंड क्विक रबड़ी। मात्र 5 से 7 मिनट में ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमने इसे सर्व कर दिया। आप कोशिश करें इसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दें तो और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और साथ ही साथ अब हमारा यहाँ पे बन गया है पुलाव। बहुत ही खिले खिले चावल हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स और घी का जो फ्लेवर आता है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब साथ ही साथ पुलाव के साथ यहाँ पे हमारा तैयार है सलाद। तो जब आप इसे सर्व करेंगे ना तो वो मसाले जब बहुत अच्छे मिल जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चावल को अच्छे से सेट कर दिया। थोड़ा ये ट्रिकी होता है तो इसे थोड़ा अच्छे से प्रेस कर लें कटोरे में और यहाँ पे इस तरीके से पलट दें। तो अभी यहाँ पे पुलाव बिल्कुल अच्छे से सर्व हो गया है। अब यहाँ पे दाल, सिंपल सी दाल देसी घी डाल के। अब यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी, हमारी बिल्कुल सिंपल से बनी हुई आलू करी पत्ते की भुजिया, रबड़ी, मिर्ची की चटनी जो इसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी डिस्क्रिप्शन में है चेक करें, सिंपल सी पूड़ी और थोड़ी सी है नमकीन, जिससे जो थाली है ना वो थोड़ी और भरी भरी लगेगी और जो गेस्ट है ना उनको भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, इस थाली को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही ईजी है और मेहमान आ जाएंगे तो बहुत ही झटपट सी बनती है। तो होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगा, मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन्जॉय करें इस थाली को। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, इन्जॉय, थैंक यू।